स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल में। और आज आपका भाई एक नई वीडियो में आप सभी के साथ हाजिर हुआ है। और आज की हमारी वीडियो है Realme UI के बारे में। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि Realme की UI बहुत ही जल्द जो है ये अपडेट सारी फ़ोन में आने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको जो है इसके बारे में बताना मुझे लगा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही धांसू फीचर मिलने वाले हैं Realme UI में, यानी Realme OS में, जो होने वाला है कलर OS 7। और साथ ही यहाँ पे दो फ़ोन ऐसे हैं जो इस मंथ में उसको जो है अपडेट मिलने वाली है, और कुछ को जो है यहाँ पे मिल चुकी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ 7 से 8 ऐसे फीचर है जो बहुत ही बढ़िया है, जो आपको किसी OS में देखने को नहीं मिलते हैं, तो वो हम यहाँ पे जो है जानेंगे। तो खैर यहाँ पे हम जानते हैं Realme UI के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि गाइस मैं जो बहुत दिनों से यहाँ से ऑफ था, ताकि मुझे कुछ काम था, इस वजह से मैं यहाँ पे वीडियोस नहीं बना रहा था। लेकिन अब जो है आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगी, तो इसलिए अगर आप कुछ रूट मोड्स या फिर कस्टम रोम्स की वीडियो चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये वीडियो जो है मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो Realme UI में सबसे पहला फीचर आता है यहाँ पे कस्टमाइजेबल आइकॉन स्टाइल, आइकॉन शेप। और हम जो है यहाँ पे कई तरह के आइकॉन शेप को चेंज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे उसकी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी, और साथ ही यहाँ पे अभी हमने देखा है कि हम जो है किसी आइकॉन पैक को जो है चेंज नहीं कर सकते या रीनेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये सबसे पहला फीचर है कि यहाँ पे आइकॉन स्टाइल को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो Realme UI में सबसे यूनिक फीचर जो है मिलने वाला है, जो रूटेड फ़ोन में आपको देखने को मिलता है। Realme UI में दूसरा फीचर हमें ये मिलने वाला है कि इसमें एनिमेटेड वॉलपेपर हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे नए 11 न्यू बैकग्राउंड हमें मिलने वाले हैं, वो भी एनिमेशन के साथ में। और कई तरह के यहाँ पे हम जो है कलर्स को उसको चेंज कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा जो है आपके फ़ोन को लुक प्रोवाइड करेगा। और Realme UI में एक यूनिक फीचर मिलने वाला है, वो है यहाँ पे ड्यूअल एयरफोन कनेक्शन। इसमें हम जो है एक ब्लूटूथ वाला एयरफोन यूज़ कर सकते हैं और एक वायर वाला। तो Realme UI में ये काफ़ी अच्छा यूनिक फीचर मुझे लगा है कि वन टाइम में हम जो है दो एयरफोन को यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत सारे लोग चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है Realme के इस नई UI में। फोर्थ नंबर पे आता है स्मार्ट साइड बार। तो वैसे भी यहाँ पे Realme में हमें जो है साइड बार देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो है कुछ और भी चेंजेस होने वाले हैं। जैसे Samsung के S सीरीज़ में हमें जो है मिलता है शॉर्टकट, यूटिलिटी टूल्स वगैरह, उसी तरह से यहाँ पे Realme के इस नए UI में ये भी हमें जो है और भी बेहतर तरीके से देखने को मिल जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक स्मार्टफोन का, वो ये है कि यहाँ पे हमारा जो डेटा होता है वो यहाँ से जो है लीक ना हो। जैसे कि हमारा कॉन्टैक्ट्स, प्राइवेट डेटा, मैसेजेस, कॉल हिस्ट्री, फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोस वगैरह, जो भी होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पर अगर ये लीक होता है तो हमारे लिए दिक्कत होती है। लेकिन इस पर यहाँ पर Realme ने जो है इसका कुछ ऐसा नया काम किया है कि यहाँ पर उसको जो है सेफली प्रोटेक्ट करने वाला है, जो काफ़ी अच्छी बात है हर एक स्मार्टफोन के लिए, कि उसमें जो एक तगड़ा प्राइवेसी प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है, जो Realme के इस UI में हमें देखने को मिल जाएगा। अब इसमें एक और फीचर है डार्क मोड। वैसे तो डार्क मोड यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन इसमें और भी जो है थर्ड पार्टी ऐप्स के लिए हमें जो है डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे हमारी यहाँ पे बैटरी जो है सेव हो जाएगी, अगर हमारा फ़ोन एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन है तो। लास्ट में आता है इसका जो कूल फीचर कहा जा रहा है इसका हाईलाइट, वो है इसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन और फोकस मोड। और साथ ही यहाँ पे कुछ स्मार्ट जेस्चर हमें देखने को मिलने वाले हैं Realme के इस नए UI में। और इसके अलावा और भी कई तरह के चेंजेस हमें जो है इस Realme UI में मिल जाएंगे। और ये जो है सबसे पहले आने वाला है Realme 3 Pro में और Realme XT में। और साथ ही आप यहाँ पे इसका रोड मैप देख सकते हैं, जहाँ पे इस तरह से Realme जो है अपने फ़ोन में Android 10 और Realme UI जो है यहाँ पे रोल आउट करने वाला है। तो भैया ये थे कुछ नए फीचर जो Realme OS में हमें जो है बहुत जल्द देखने वाले हैं। आपको यहाँ पे कौन सा फीचर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और साथ ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है मुझे कोई सजेशन कर सकते हैं, तो प्लीज़ यार ड्रॉप डाउन कर देना आपका कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट्स। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।